एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मैं मतलब उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो का टाइटल है रशियन पीपल एंड मीडिया शॉकिंग रिएक्शन ऑन इंडिया क्रबिंग शुगर एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड। इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नाम से यूट्यूब चैनल जिन्होंने इस वीडियो को पब्लिश किया था। चलते हैं और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि जो इंडिया ने बैन किया शुगर के ऊपर उन पर रशिया के लोगों का क्या रिएक्शन है। आप लोगों से गुजारिश करूंगे जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करो, वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो। और अगर आप मुझे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के अंदर भी मिल जाएगा। सो लेट्स टेक द वीडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज से जो है रेगुलर वीडियोज आएंगे और नेपाल में जाके जो मैंने शूट किया है कुछ एपिक आने वाला है कुछ ही दिनों में आपके लिए। ये शायद एंटरटेनमेंट फील्ड में इंडिया और नेपाल का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन और प्रोजेक्ट है। और अगर आप इसको सबसे पहले एक्सेस और विटनेस करना चाहते हैं तो जल्दी से मेरा चैनल जो है सम्राट चौधरी को सब्सक्राइब कीजिए और 25 जून को आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। लिंक ऑफ द चैनल इन द डिस्क्रिप्शन। रिलीजिंग ऑन 25 जून। उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और लेकिन अभी जो है रेगुलर वीडियोस आएंगे जैसे कि आते थे पहले। और आज का जो वीडियो है कि रशियन मीडिया इंडिया ने जो अभी रिसेंटली शुगर एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं उससे दुनिया में कुछ ऐसे हाल है। चीनी कम है थोड़ी थोड़ी तुझ में है कम 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 है कम कम। और होना भी चाहिए क्योंकि ये सारे देश जो है जो वार्स करते हैं इनके वॉर कॉम्प्लेक्स तो बेनिफिट होते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि इंडिया या फिर दूसरे एशियन देश जो कि डेवलप कर रहे हैं अभी और जो वॉर्स नहीं चाहते हैं वो सोचते हैं कि वो उनके सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। लेकिन इंडिया ने अच्छे तरीके से दिखा दिया है कि इंडिया के लिए सबसे पहले अपना इंटरेस्ट है। और जैसे कि एक साइड में जर्मनी जैसे देश है जो कि इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस बारे में तो रशियन मीडिया का क्या रिएक्शन है, रशियन मीडिया या फिर रशियन लोगों का कितना अलग रिएक्शन है इन वेस्टर्न देशों से वो हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले मैं इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा बुक समरी आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। बुक समरी का नाम है द ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान एक ऐसी घटना है जिसका ना तो कोई अंदाजा लगाया जा सकता है और ना ही कोई अनुमान, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्रैश या फिर दोनों देशों के बीच वॉर या फिर फूड शॉर्टेज जैसे कि अभी हो रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स का कैसे सामना करना है इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से इस बुक समरी में आपको टिप्स मिलेंगे। और ये अवेलेबल है कुकू एफएम पे। कुकू एफएम एक बहुत ही बड़ा ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पे 1000 घंटे से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, 1000 घंटे से भी ज्यादा नॉन फिक्शनल कंटेंट मिलेगा। यहाँ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, बायोग्राफीज और भी बहुत सारे ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज मिल जाएंगे, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में। इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के दर्शकों के लिए एक खास ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड INDIE50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी जिसका कॉस्ट 399 रुपीज पर ईयर है वो आपको सिर्फ 199 रुपीज में पूरे साल के लिए मिल जाएगा। ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियोस की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो काफी सारे मीडिया में, रशियन मीडिया में ये जो खबर है वो सर्कुलेट हो रहा है तो इनमें से दो सोर्सेस को मैंने चूज किया है वो हम देखेंगे और काफी मजा आने वाला है कॉमेंट सेक्शन में। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया शुगर के एक्सपोर्ट को लिमिट में रख रहा है अपने खुद के फूड सप्लाईज की सुरक्षा के लिए, जो गेहूं के सेल्स पर बैन के बाद प्रोटेक्शनिज्म का एक्ट है। одним актом протекционизма после запрета продажи пшеницы чуть अभी कुछ हफ्ते पहले इसके न्यूज पर वर्ल्ड ट्रेड वीनस में चीनी के दाम आसमान छू गए हैं। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स टुडे May 24th। अकॉर्डिंग टू द एजेंसी सोर्स, न्यू दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट्स को 10 मिलियन टन्स लिमिट करने का प्लान बना रही है इन द करंट फिस्कल ईयर, जो सितंबर तक चलेगा। टन в текущем финансовом году, который продлится до сентября. लक्ष्य है अक्टूबर में नेक्स्ट चीनी के सीजन की शुरुआत से पहले पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए। सोर्स ने कहा कि यहां नाम ना लिया जाए क्योंकि इंफॉर्मेशन गुप्त है। सोर्स के अकॉर्डिंग यह डिसीजन आने वाले दिनों में अनाउंस की जाएगी। По словам источника, о решении может быть объявлено в ближайшие дни. Last year, Brazil के बाद भारत दुनिया का largest sugar exporter था और बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और UAE इसके main clients में से हैं। Арабские Эмираты входят в число ее основных клиентов. लंदन में शुगर फ्यूचर 1% पहले मंगलवार को जोड़ा गया। भारत की सबसे बड़े शुगर प्रोड्यूसर्स का शेयर गिरा। श्री रेणुका शुगर्स में 14% डाउन और बलरामपुर चीनी मिल्स में 10% डाउन। चीनी मिल्स ना 10%। इंडिया, भारत ने इस महीने की शुरुआत में दुनिया को चौंका दिया था। गेहूं के रेस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट्स के कारण वर्ल्ड प्राइसेस में तेजी आई है। स्ट्रेटेजिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए एशिया में गवर्नमेंट द्वारा हाल ही में किए गए अन्य उपायों में इंडोनेशिया के पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन शामिल है और मलेशिया का चिकन का सेल अब्रॉड में बंद है।
शुगर के लिए इंडियंस का एक्सपेक्टेड मूव इस प्रोडक्ट के बड़े डोमेस्टिक स्टॉक को देखते हुए सावधानियों का एक चरम मामला प्रतीत होता है। लगभग 1.5 बिलियन लोगों की आबादी वाले देश में 1.4 मिलियर्ड человек। शुगर रिफाइनरीज एसोसिएशन के अकॉर्डिंग भारत लगभग 35 मिलियन टन शुगर को प्रोड्यूस करने और 27 मिलियन टन शुगर कंज्यूम करने की उम्मीद है, पिछले साल के लगभग 8.5 मिलियन के स्टॉक के साथ। В размере около 8.2 миллиона тонн. Страна कंट्री के पास इस प्रकार से एक्सपोर्ट के लिए 10 मिलियन टन सहित 16 मिलियन से अधिक का सरप्लस है। एक्सटर्नल सप्लाईज के शटडाउन की वजह से ग्लोबल शुगर मार्केट पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। На мировой рынок сахара, учитывая, что Индия является भारत एक प्रमुख प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। एक बार शिपमेंट 9 मिलियन टन पहुंचने के बाद लोकल एक्सपोर्टर्स को रिमेनिंग 1 मिलियन को शिप करने के लिए परमिट के लिए अप्लाई करना होगा। एक ब्लूमबर्ग सोर्स ने एक्सप्लेन किया कि न्यू इन्फॉर्मेटर ब्लूमबर्ग как сообщ... जैसा कि ई डेली ने रिपोर्ट किया है, अमेरिका की उम्मीद है कि भारत इसे कैंसिल कर देगा। गेहूं के एक्सपोर्ट पर वाशिंगटन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने 16 मई को वार्निंग दी थी कि ये कदम स्ट्रेटेजिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ग्लोबल शॉर्टेज को बढ़ा देगा। यूक्रेन के आसपास के क्राइसिस के कारण भोजन की कीमतों में तेज वृद्धि हुई है, जिसे गरीब देशों में सामाजिक आर्थिक झटका लगा है, जो पहले से ही कोरोना वायरस पैंडेमिक से बुरी तरह से प्रभावित थे। यूनाइटेड स्टेट ने पहले चेतावनी दी थी कि गहरे सामाजिक तनाव विशेष रूप से नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में फैल रहे हैं। कमेंट सेक्शन रिव्यू एंड एनालाइज। तो सबसे पहले मारिया ने कमेंट किया है कि इंडिया अपने दिमाग से अपना लाइफ जीता है, किसी और के अनाप शनाप बरबराने से ना तो इंडिया को कोई फर्क पड़ता है और ना ही इंडिया उसको फॉलो करता है। उसके बाद लुडमिला गाशीना ने कमेंट किया है कि वेल दैट्स राइट, फर्स्ट यू नीड टू थिंक अबाउट योर ओन कंट्री। उसके बाद वाडिम लॉगिनोव ने कमेंट किया है कि ये सो कॉल्ड डेवलप्ड देशों को वर्ल्ड फूड डेफिसिट के बारे में तभी भाषण देना होता है जब इनके खुद के देश में किसी चीज की शॉर्टेज हो, लेकिन जब उन देशों में फूड शॉर्टेज होती है जहाँ पे इन लोगों के बॉम्बिंग के वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है, जैसे कि अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, तब ये लोग दुनिया को समझाने लगते हैं कि मार्केट कैसे काम करता है और वो क्यों इन देशों को सस्ते दाम में रिसोर्सेज नहीं बेच सकते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। उसके बाद मिखाइलो ने कमेंट किया है कि इंडिया विल नेवर लूज इट्स फ्रेंडशिप विद रशिया। उसके बाद दिलिया गायनुलिना ने लिखा है कि वेल इज देयर राइट, दुनिया का हर रूलर अपने ही देश के लोगों के फायदे के लिए डिसीजन लेते हैं। बाय द वे, इस लिस्ट में पाकिस्तान और यूक्रेन जैसे देश ऑब्वियसली एक्सक्लूडेड है। उसके बाद ओलिया जोबनीना ने लिखा है कि जब दुनिया में सब कुछ प्रॉपर ऑर्डर पे था तब इन्होंने ये सोचा नहीं था कि नाटो को एक्सपैंड करने के बाद उसका नतीजा क्या होगा। अब ये क्राइसिस का टाइम उनको अच्छा सबक सिखाएगा। टाइम आ गया है कि हर देश अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचे। उसके बाद तमारा प्लाटानोवा ने लिखा है कि वेल डन, इंडिया सबसे पहले अपना ख्याल रखेगा और जो क्लाउन अपने देश से सब कुछ छीन लेता है वो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे किस क्लाउन की बात की जा रही है। उसके बाद आर्ट्योम एलोविकोव ने लिखा है कि बहुत जल्द सबको असली वेल्थ के बारे में पता चलेगा और वो है हेल्दी फूड, वार्म क्लोथ्स और एक घर, ना कि आईफोन्स। बहुत जल्द लोग ये रियलाइज करेंगे कि ब्रेड का एक टुकड़ा आईफोन से कई ज्यादा वैल्यूएबल है। उसके बाद स्टैनिस्लाव याकुवोव्स्की ने लिखा है कि इंडिया इज डूइंग द राइट थिंग, पहले अपने देश के नीड को पूरा करो और बाद में मौका मिले तो इन रिसोर्सेज की कीमत और भी बढ़ा दो और अच्छा प्रॉफिट कमाओ। हमारे पुराने सोशलिस्ट फूल्स बहुत बेवकूफ थे, वो लोग जिन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज बहुत ही सस्ते दाम में बेच दिया। इसका मतलब यह है कि हमारे लेबर्स के जो हार्ड वर्क है उन्होंने वो रद्दी के भाव में बेच दिया। थैंक गॉड कि अभी जो हमारी गवर्नमेंट है दैट इज फार मोर वाइजर देन द प्रीवियस गवर्नमेंट्स। उसके बाद लुडमिला एरोकिना ने लिखा है कि इंडिया अपने डोमेस्टिक मार्केट के बारे में केयर करते हैं या फिर उन्होंने डिसाइड किया है कि शुगर का प्राइस जो है वो और भी पुशअप करेंगे। इंडिया इज क्लेवर। उसके बाद लेना दायचोस्काया ने लिखा है कि आई होप इट्स नॉट फॉर रशिया, रशिया के लिए इंडिया पुराने दाम में ही शुगर बेचेगा क्योंकि इंडिया एंड रशिया आर फ्रेंड्स फॉर एवर। बिल्कुल, इंडिया दूसरों का एहसान हमेशा याद रखते हैं। अगर आपने हमें सस्ते दाम में तेल बेचा है तो हम भी आपको अच्छे दाम में ही शुगर बेचेंगे। उसके बाद इरिना ने लिखा है कि लगता है अब बाइडेन ही पूरे दुनिया को खाना खिलाएगा, वो बुढ़ाओ खुद को नहीं खिला सकता तो दुनिया को क्या खिलाएगा। उसके बाद सर्गेई दुआरेव ने लिखा है कि जब आपके आसपास हवा ना हो तभी आपको ऑक्सीजन का रियल वैल्यू पता चलता है। उसके बाद रूसिस ने लिखा है कि बिल्कुल सही, अपने देश के लोगों को सबसे पहले खिलाना चाहिए और इन ग्लोबलिस्ट इडियट्स को ना खिलाना ही बेहतर है। उसके बाद फ्योरो ड्यूकोव ने लिखा है कि प्ले इट सेफ एंड रेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ओ वेल डन इंडियन मर्चेंट्स, एंड देन सेल द प्रोडक्ट अगेन एट हायर प्राइसेस।
मैं प्रार्थना करता हूँ कि इंडिया जो है ये बोल्ड स्टेप ले बिना किसी हेजिटेशन के। उसके बाद आली नाक ने लिखा है कि इन वेस्टर्न देशों को अपना गैजेट्स और हाई टेक्नोलॉजी से ही खाने दो, हमारे पास तो फिर भी ब्रेड है। उसके बाद इंगा सोगोमोवा ने लिखा है कि इंडियंस नहीं, मैं तो मानता हूँ कि ये हिंदुओं का फैसला है, मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले टाइम पे इंडिया पाम ऑयल पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दे। उसके बाद कुइली गान ने लिखा है कि फाइनली लोग ये समझेंगे कि असली खुशी आईफोन्स में नहीं है। उसके बाद रीमा ने लिखा है कि यूरोप और अमेरिका चले थे रशिया को बर्बाद करने, लेकिन अब विंटर में खुद ठंड में सिकुड़ के ब्रेड और चाय के बिना बैठेंगे। उसके बाद इगोर अलेक्जेंड्रोव ने लिखा है कि इंडिया इज नॉट द वेस्ट, जहाँ पे लोगों को बहुत आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सकता है। इंडियंस आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करूंगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। वेल कमेंट काफी पॉजिटिव थे और थ्रू आउट कमेंट्स के अंदर मैं वही बात थी जिससे मैं खुद भी एग्री करती हूँ कि आपकी अपनी कंट्री के जो मफादात होते हैं, आपकी प्रायोरिटीज होती हैं, वो आपके लिए जो कंसर्न होते हैं वो आपकी हाई प्रायोरिटी होने चाहिए। तो इंडिया ने ऐसे किया, पहले वीट के ऊपर, उसके बाद चीनी के ऊपर, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक है, इवन चावल के ऊपर भी। तो आप अपने मुल्क की जरूरत पूरी करें, अगर उसके बाद बचता है तो आप उसके बाद जो वो कंट्रीज हैं जो बिल्कुल भी बेचारे परचेज नहीं कर सकते या बहुत बिलो द लाइन है, मतलब उनका ख्याल करें। ये सुपर पावर कंट्रीज हैं, इन्होंने कभी किसी का ख्याल नहीं किया। इन्होंने जैसे उन्होंने मिसाल भी दी ईरान की और अफगानिस्तान की और लिबनान की, और उस टाइम ही हमें मार्केट स्ट्रेटजीज और मार्केट के रूल्स बता दें कि मार्केट ऐसे मूव करती है। और जहां तक उन्होंने बताया कि इंडिया की जो वो पैदावार है वो 35 मिलियन टन के राउंड अबाउट है, आई थिंक सो ये 10 टन में ही होती है। तो और जबकि उसकी जो जरूरत है वो उसके पास 27 मिलियन टन के राउंड अबाउट उसकी जरूरत है, और उसके अलावा उसके पास प्रीवियस 5.8 समथिंग राउंड अबाउट उसके पास प्रीवियस भी जो है चीनी रिजर्व में पड़ी है। तो इस वजह से वो 10 से 15 मिलियन टन के राउंड अबाउट ही वो दुनिया को दे सकते हैं अगर उनकी जरूरत के बाद अगर बचता है तो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत पॉजिटिव और वाइज एक्ट है, और इससे ये भी हो सकता है कि आप इसको जब अगर एक दो महीने इसको होल्ड करते हैं तो बाद में इंडिया इसको बेहतर फायदा भी ले सकता है कि इसको ज्यादा महंगी प्राइसेस में इसको बेच सकते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटेजिकल जो एक्ट हो सकता है। तो बाकी ये कि उन्होंने मेहनत की है, उनके किसानों को थैंक्स कि उन्होंने इतनी पैदावार की है और अब वो उसको संभाल पाए और उसको अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर सके, यही बात है। यही हमें यूरोपियन कंट्रीज से हमने सीखा है कि अपनी मुल्क को अपने मफादात को पहले देखो, बाकी सब जाएं भाड़ में। सॉरी टू से बट इट्स ट्रूथ। उन्होंने सारी उम्र ऐसे ही एक्ट किया, उन्होंने जबकि वो सुपर पावर कंट्रीज थे उन्होंने ऐसा ख्याल नहीं किया कि वो अपने से जो जूनियर कंट्रीज थी उनको वो मदद करते जैसे घर के बड़े करते हैं, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किया जब जिसके जहां जब मफादात थे वो उनको मफादात किया, और ये किसी हद तक गलत भी नहीं है, यही पॉलिटिक्स है। उम्मीद करती हूँ कि इंडिया आने वाले वक्त में भी अपनी कंट्री के लिए बेहतर और वाइज किस्म के फैसले करे, और इंडिया को देख के ही हमारी कंट्री के जो पॉलिटिशियंस हैं, और सबसे बड़ी बात पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो शायद ही कोई सिंसेयर हो, वो सबके सब अपने पैसे कमाने के लिए ही आते हैं। हजारों में एक होता है जैसे कि मोदी जी हैं जिन्होंने नेशनलिज्म की एक जो कैंपेन है वो इंडिया में चलाई, और उनकी बहुत ज्यादा उसकी पॉजिटिव उसकी रेटिंग है उनकी जो उन्होंने वो कैंपेन चलाई इंडिया मूवमेंट को लीड किया उन्होंने, वरना आज से पहले कभी भी किसी की इतनी पॉजिटिव इनके मूवमेंट की के रिव्यूज मैंने नहीं मेरे इलम में कि कोई ऐसी मूवमेंट थी जिसके इतने पॉजिटिव रिव्यूज थे। बाकी ये कि हमारे मुल्क को भी अगर बचना है तो उसको एज ए नेशन होके सोचने की जरूरत है, अदरवाइज कोई हाल नहीं है। और जहां तक पॉलिटिशियंस की बात है तो बुरा ही हाल है, और अगर अब भी खामोश रहेंगे तो फिर जिस तरह के मैंने वर्ल्ड अफेयर्स वालों की प्रीवियस वीडियो पर रिएक्ट किया है कि तीन टुकड़े तो तीन क्या क्या 300 या 30 भी हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो बढ़ेंगे, वो अभी तो प्रेडिक्शन है लेकिन फिर उसको हकीकत होते हम देखेंगे खुदा ना खास्ता। तो अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, इंसान को जब ख्याल आ जाए तो उसको उसी वक्त से समझ जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा हो, और रशिया के का एटीट्यूड इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है। जब इंडिया को जरूरत थी, जब अमेरिका इंडिया को जानवरों वाली गंदम दे रहा था और इंडिया को पपिट की तरह इस्तेमाल कर रहा जैसे वो आज पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा, उस टाइम में रशिया ने इंडिया की मदद की, तो डेफिनेटली इंडिया भी उसका ख्याल रखेगा कि कौन उसके साथ बुरे वक्त में खड़ा था। इवन के अब भी रशिया ने इंडिया को सस्ता तेल दिया तो इंडिया जरूर अपनी दोस्ती को याद रखेगा, तो ये बात भी ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी राय से एग्री करते हो, और अपनी राय से मुझे जरूर बताएं कि आपकी इस वीडियो के बारे में और मेरे ओपिनियन के बारे में आपकी क्या राय है।
मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, हो सके तो मुझे दुआ में याद रखें। और उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो मुझे मेरी वीडियोस को एंड तक देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करके मुझे बताते हैं कि उनको मेरी वीडियो कैसी लगी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।